आज बना रहे हैं मसाला आलू। तो यहाँ पे मसाला आलू सभी को पसंद है, तो यहाँ पे राई ले ली, अजवाइन ले ली, जीरा ले लिया। तो मैं बता दूँ गाइस, किसी भी अब सब्जी में हम अजवाइन डालते हैं ना, तो उससे जिन लोगों को गैस की प्रॉब्लम होती है ना, तो वो होती नहीं है, और जो सब्जी का या खाने का पचाव होता है ना, वो अच्छी तरह से हो जाता है। तो यहाँ पे जीरा भी डाल दिया, और जीरा हमारी भूख को बढ़ाता है। तो मेरे से तो गाइस जीरा थोड़ा ज़्यादा ही डलता है, और मैंने राई डाल दिया, तो उससे ना पूरा साउथ इंडियन टेस्ट आएगा। और जो मेरे पास पनीर था ना गाइस, तो पनीर और हरी मिर्ची और जो रेड हो गई थी ना ये मिर्ची ग्रीन वाली, उसको भी मैंने डाल दिया है। और इसमें डाल दिया मैंने ऊपर से कड़ी पत्ता। तो अभी कड़ी पत्ता गाइस मेरा चल रहा है, मेरे पास है अभी, तो मैं डाल दे रही हूँ, और काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। दाल में भी डाल दो तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है, चावल में डाल दो तो। यहाँ पर मैं डाल दूँगी हल्दी डाल दूँगी, और इसके बाद लाल मिर्ची डाल दूँगी, और डाल दूँ धनिया पाउडर डालूँगी गाइस, और नमक डाल दूँगी, मतलब जो भी अपने बेसिक मसाले हैं वो सारे डाल दो। और इसे अच्छी तरह से मैं हल्का ही भुनूंगी, ज़्यादा नहीं भुनूंगी मैं इसे। और फिर मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी गाइस, क्योंकि मुझे है ना मसाले को है ना मतलब जलाना नहीं है, मतलब जो इसकी सौंधी सी खुशबू होती है ना मसाले की, बस वही मुझे लेके आनी है। तो हल्दी को भी ज़्यादा मैं नहीं भुनूंगी, इसमें पानी मैंने डाल दिया। इस तरह से मैं इसे ना दवा दवा के, जो पनीर है ना उसको दवा दवा के पूरा मिक्स कर लूँगी, क्योंकि है ना मेरे को है ना पनीर ज़्यादा भूनना नहीं था, क्योंकि अगर कड़क नहीं करना है वो, उसमें सॉफ्ट सही रहे, तो इसलिए पानी मैंने ऐड कर दिया है। वरना आलू मेरे गाइस कच्ची हैं, बॉईल नहीं है, आप बॉईल वाले आलू भी ऐड कर सकते हैं। और गाइस मसाला आलू तो गाइस सभी को ही पसंद बहुत आते हैं। तो यहाँ पर मटर भी है, तो यहाँ मैंने मटर भी डाल दूँगी, मेरे पास मटर भी रखी हुई है। और ऊपर से मैंने डाल दी कश्मीरी मिर्ची डाल गाइस, तो इससे कलर का भी टेस्ट आ जाएगा। और मैं बताऊंगा गाइस, मैं इसमें ना नमक कम ही डाला है, मैंने इसमें बहुत कम डाला है। तो कल मैं रिको गई थी ना गाइस, तो पापा जी को ये सब्जी उन्होंने खिलाई थी ये वाली थोड़ी सी, क्योंकि है ना पापा की दाल तो बनती है, बाकी ना जो भी हमारी सब्जी होती है उसमें हम नमक डालते नहीं, क्योंकि डॉक्टर ने कहा आप खिला सकते हो, नमक नहीं खिला सकते पापा जी को, मतलब नमक की, और जैसे कि आप तेल वगैरह डालते हो वो कम डालो, घी की मना करिए, तेल आप खिला सकते हो। तो अभी कुछ दिन के लिए तो उनका पूरा ही परहेज चलेगा, बाकी टेस्ट हमने पापा जी को थोड़ा 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 करा दिया था। तो गाइस सब्जी बहुत टेस्टी बनी थी, मसाला आलू, और यहाँ पे इसके बाद पराठे सेक दिए थे मैंने, और लहसुन भी स्कूल गए थे। तो यहाँ पे देखिए रिको के लिए मैंने ये टिफ़िन तैयार कर दिया है, तो ये टिफ़िन चला जाएगा रिको। और इसके बाद गाइस यहाँ पर देखिए ये मसाला आलू की सब्जी तैयार हो गई है, तो यहाँ पे गाइस सब्जी तैयार हो गई। वैसे तो गाइस ये है कि आप सादा सिंपल भी बनाओ ना सब्जी, तो वो भी टेस्टी बनती है। बस यही होता है कि अगर आप मन से कोई चीज़ बनाते हो ना तो बढ़िया बनती है। पहले के टाइम में इतना तामझाम नहीं होता था, खाली नमक मिर्ची में सब्जी बना दी जाती थी। तो मेरे बाबा तो गाइस ये कहते थे कि सब्जी तो है ना नमक मिर्च की बन जाती है, बस बनाने वाले की नीयत सही होनी चाहिए। तो यहाँ पर बढ़िया गर्मा गर्म पराठे सीख गए गाइस, और मैंने इतने मन से ये प्लेट लगा के मतलब रखी थी अपने हस्बैंड के लिए रखी थी लगा के, लेकिन ये देखिए गाइस मैंने सब्जी और दूध और किशमिश रखी थी, तो ये ना ये ब्रेकफास्ट की प्लेट लगा दी थी मैंने। और है ना, और इसके बाद गाइस मैंने लंच के लिए रोटियां भी सेक के रख दी थी, क्योंकि रिको भी रोटियां गई थी। लोग शंभू नाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा। तो आज है दिन सैटरडे, और पूजा मैंने कर ली है, और मंदिर का पर्दा मैंने डाल दिया है गाइस, और सुबह का जो मतलब लंच और ब्रेकफास्ट सब बन गया है, और 1:15 का टाइम हो रहा है। मैं आपको दिखाऊं बैक कैमरे से दिखाते हैं, आपको बता दूं गाइस कि लव अपने ताऊ के साथ चला गया है रिको, और सुरभि यहीं पर है मेरे पास में। तो सुबह मेरे जेठजी है ना रिको चले जाते हैं, तो थोड़ी मतलब हेल्प सी हो जाती है, उससे ये रहता है कि वो पापा जी के पास होते हैं ना। अभी पापा जी को हम अकेला नहीं छोड़ रहे हैं ना, क्योंकि नाइट में मेरे हस्बैंड रहते हैं और सुबह मेरे जेठ जी पहुँच जाते हैं, तो फिर उससे वो पापा जी अकेले ही रहते हैं, क्योंकि पापा जी को अभी वीकनेस है, वरना पापा जी बहुत स्ट्रांग है गाइस, बहुत स्ट्रांग है हमारे पापा जी, पर अभी उन्हें वीकनेस है, इसलिए हम अकेला नहीं छोड़ रहे हैं।
तो नाश्ता अपना छोड़ के चले जाते हैं, तो मैं उनसे कहती हूँ कि तुम अपना भी ध्यान रखो, क्योंकि मैं ये सोचती हूँ गाइस कि एक माँ अपने बच्चे का तभी ध्यान रख सकती है जब वो अपना खुद का ध्यान रखे। भूखे पेट हम किसी का मतलब ध्यान नहीं रख सकते, किसी की केयर नहीं कर सकते। तो वही मैं उनसे कहती हूँ कि तुम है ना मतलब अपना नाश्ता करके जाया करो। 2 दिन से वो नाश्ते की प्लेट को छोड़ के चले जा रहे हैं, तो उससे ये रहता है गाइस, हम लोगों को भी चिंता रहती है उनकी। मैंने कहा तुम अगर अपने ऊपर ध्यान नहीं दोगे तो फिर हम लोगों को कैसे संभालोगे, मम्मी पापा को कैसे संभालोगे, तो हमें भी रहता है उनसे। तो मैं उनसे इसी बात के लिए बोल रही थी, लेकिन बाद में उनका कॉल आ गया, तो मैं गुस्सा हो रही थी उनसे। तो फिर उनका बाद में कॉल आया, मुझसे कह रहे तू तो बावड़ी है। कभी कभी ऐसा होता है, अगर 2 दिन अगर हम नाश्ता नहीं करेंगे और 2 दिन हमने खाना नहीं खाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैं मानती हूँ गाइस कि हर पत्नी को अपने पति की चिंता रहती है, क्योंकि जब कहते हैं ना कि कमाने वाले इंसान अगर अपना ध्यान नहीं रखेंगे, हम उनका ध्यान रखें तो कौन रखेगा ध्यान। तो बस खैर कोई बात नहीं है, मुझे बोले तू बावड़ी है। चले गाइस, आज मैंने कंघी नहीं करूँ क्योंकि आज एकादशी है गाइस। तो गाइस अभी मैं बनाऊँगी अपने लिए चाय बनाऊँगी, या फिर देखती हूँ। और ये देखिए सुरभि की करामात, सुरभि ने तो ऐसे नाक में दम कर रखा है मेरे। ये देखिए चश्मे, ये तो चश्मा तो मेरा है। ये कपड़े, ये देखिए ये खाने के बर्तन, ये देखिए प्लेट, ये देखिए बैग, और ये देखिए स्कूल से आके ये अपना सामान ऐसे पटक देते हैं भाई। ये देखिए, तो यहाँ पे गाइज मैंने बना ली थी अपने लिए चाय, और यहाँ पे मैंने सुरभि को गर्म करके मतलब गुनगुना दूध दे दिया था, तो वो ही उसमें हर्षी शीरप डाल रही है। तो सुरभि को काफ़ी पसंद है, तो वो ये है कि बच्चे खा लेते हैं अपने आप तो फिर इतना नहीं रहता। तो वो तो यहाँ पे गाइज मैं ना बना दूंगी रायता। तो यहाँ पे मैंने बूंदी वाला रायता बनाया है, तो इसमें मैंने नमक मिर्ची काला नमक हींग और भुना हुआ जीरा और बूंदी डाल दी है। तो मेरे हस्बैंड को रायता बहुत पसंद है गाइज। तो ये तो कटोरी में तो मैंने छोटा दिखाया, लेकिन मैंने पूरा बड़ा देती हूँ ना, क्योंकि वो रायते को बहुत पसंद करते हैं। और इसके बाद गाइज मैं बताऊँ, यहाँ पे नल लगभग 4 बजे का टाइम था, नल आ गए थे, तो मुझे तो रीको जाना था, तो मैंने उनको है ना खाना दे दिया था अपने हस्बैंड को। और उसके बाद मैं कपड़े की धुलाई करने लग गई थी, और यहाँ पे ना सुरभि है ना एसी का जो पानी है ना भर गई है, ये डिग्गी भर गई है, तो वो ही उसे फैलाने लग रही है। बस यही है कि जीरी को जाना होता तो वो जल्दी जल्दी करना होता है। तो यहाँ पे गाइस हम लोग रिको के लिए निकल चुके हैं, और लव रिको में ही है क्योंकि वो सुबह ताऊ जी के साथ चला गया था अपने। और ये देखिए जिस रास्ते से हम जाते हैं, इस रास्ते को आरएसी रोड बोलते हैं, तो हम यहाँ से। और गाइस हम लोग पहुँच गए थे रिको, और यहाँ पे गाइस रास्ते में से हम जलेबी लेकर गए थे, तो उस गरम गरम जलेबी सिक रही थी, तो हम यहाँ से लेके। और फिर यहाँ पे ना गाइज ये पत्ते वत्ते होते हैं ना, तो वैसे मम्मी लगा देती हैं, लेकिन आज मम्मी ने नहीं लगाया था। मम्मी बोल रही थी मेरे ना मतलब मम्मी पे नहीं लगा जा रहा, मैंने कहा लाओ मम्मी मैं लगा दूंगी, तो फिर मैं यहाँ पे लगा दूंगी। तो जो वैसे इतना तो होता ही नहीं है गाइज मिट्टी पर, ये पत्ते हो जाते हैं ना, तो उसी से वो ही हो जाते हैं, क्योंकि पेड़ पौधे बहुत है ना, तो वही मैंने कहा लाओ मम्मी मैं कर दूंगी, तो फिर मैं वो करी। और यहाँ पे पापा जी को ये खिला रहे हैं पनीर, तो ये पनीर लेके आए थे, तो पापा जी को डेली पनीर खिलाया जाता है, तो ताकि पापा जी जल्दी से स्वस्थ हो जाएं। और प्रोटीन के लिए गाइज तो कच्चा पनीर पापा जी को हम खिलाते हैं, और बाद में जैसे कि बीच में कुछ ना कुछ मतलब खिलाते रहते हैं पापा जी को। और यहाँ मम्मी और हम सब लोग बैठ के बातें कर रहे हैं, और वही लव ये देखिए जलेबी थी, तो लव से मैंने बोलता था कि प्लेट में ले आया, तो वो निकाल के ले आया, और लव काफ़ी खुश हो गया था गाइस। मतलब बच्चों को मीठा बहुत पसंद है ना, तो यहाँ खुश है। तो यहाँ पे लव सुरभि ना दादू से बोल रहे हैं कि आप खा लो, तो दादी मना कर रही है कि नहीं, डॉक्टर ने नमक की और मीठे की तो बिल्कुल ही मना कर दी है। तो बस यही कहेंगे गाइस कि वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब।